उचित शिक्षा से मिला बेहतर भविष्य, बेहतर हुई शिक्षा उज्जवल हुआ भविष्य, शिक्षा सुविधाओं का विस्तार हुआ, न रुकेगा अभी प्रगति का रथ, उत्तम शिक्षा का सपना साकार हुआ। गोविंद सिंह डोटासरा के शिक्षा मंत्री होने का सर्वाधिक लाभ लक्ष्मणगढ़ को मिला। शिक्षा के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए प्रयासों से आज लक्ष्मणगढ़ शिक्षा में राजस्थान का अग्रणी क्षेत्र बन गया है। क्षेत्र का शिक्षा तंत्र नई ऊंचाइयों को छू रहा है। लक्ष्मणगढ़ की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए 100 करोड़ की लागत से 40 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय बने। नए भव्य विद्यालय भवनों का निर्माण हुआ। सौ विद्यालयों को क्रमोन्नत किया गया। रिकॉर्ड संख्या में 615 कक्षों का निर्माण, शौचालय एवं खेल के मैदानों का निर्माण, क्रांतिकारी स्मार्ट क्लासरूम और डिजिटल कक्षाएं। गोविंद सिंह डोटासरा जी ने यहाँ पे 6 कक्षा का आयोजन किया है और यहाँ पे एक प्रयोगशाला भी है। बहुत सारी सुविधाएं जो अभी हमें मिली है, उन्होंने हमें 6 रूम एक्स्ट्रा दिए जिसके अंदर हम आराम से हमारे बैठने का पूरा अरेंजमेंट हो रहा है। अभी बहुत से लोग कहते हैं कि सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं होती, हमें प्राइवेट स्कूल में जाना चाहिए, गाँव में भी बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। उनके समर्थन के कारण यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ पा रहे हैं। स्काउट विद्यालय, कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय एवं अल्पसंख्यक आवासीय छात्रावास स्वीकृत। अब लक्ष्मणगढ़ व नेछवा में कॉलेज बनने से क्षेत्र के विद्यार्थियों को घर में ही उच्च शिक्षा मिलेगी। आईटीआई महिलाओं की थी और अब गर्ल्स और बॉयज दोनों हो गई है। लक्ष्मणगढ़ में आईटीआई खुलने से बच्चों को अच्छी स्किल मिल रही है। लड़कियों को कोई परेशानी नहीं हो रही, यहाँ सारी सुविधाएं हैं, सारे सब्जेक्ट हैं, आईसीटी लैब भी यहाँ उपलब्ध है। शिक्षा में गतिशील निर्माण व विकास की वजह से बच्चों का शिक्षा स्तर बेहतर हुआ और उज्जवल भविष्य का सपना साकार हुआ है। बने स्कूल, बने कॉलेज, बढ़ी शिक्षा, बढ़ी नॉलेज। डोटासरा के अथक प्रयास, शिक्षा तंत्र का हुआ विकास। काम किया दिल से, डोटासरा फिर से।